सुबह से आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है यहाँ पर वी आर यू नॉट अवेलेबल लिंक अकाउंट राइट नाउ पेटीएम, इस तरीके से अगर आपके आती है यानी कि पेटीएम बैंक अकाउंट लिंक प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इसे आप कैसे से कर सकते हो, यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा जो है पेटीएम एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है, इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो लॉक वगैरह लगा देना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर थ्री लाइन या थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूपीआई एंड जो है पेमेंट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। एड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप बैंक पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आता है वी आर नॉट फाइंड क्लब अकाउंट, इस तरीके से आता है। और कभी कभार यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसे कैसे सही करना है इसी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक कुछ भी हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिंक ही नहीं होता है, ठीक है। अनअवेलेबल टू डिटेल्स योर, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है लिंक विद पेटीएम रजिस्टर फोन नंबर एंड बैंकिंग ऑल्सो फेल टू मल्टीपल मोबाइल नंबर आर यू लिंकड, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हो तो आपका सबसे ज़रूरी है कि आपका बैंक अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। जैसे आपका SBI बैंक है तो आपके SBI बैंक में आपके मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए तभी यहाँ पर लिंक होगा। तो आप मेरा ब्रांच में जाकर इजीली करवा सकते हो, फिर तभी इसमें लिंक हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।